गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू टुडे? आई होप यू आर फाइन एट होम। वेलकम बैक टू मैथ्स क्लास। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट यूनिट नंबर 8, शेप्स एंड पैटर्न्स। इन दिस लेसन वी विल लर्न अबाउट कॉर्नर्स एंड साइड्स इन प्लेन शेप्स एंड वर्टिसेस, एजेस एंड फेसेस इन सॉलिड शेप्स। इन द प्रीवियस पीरियड वी लर्न अबाउट पॉइंट, लाइन सेगमेंट, लाइन एंड रे एंड 8A मैनजिंग। आई होप दैट वॉट आई एक्सप्लेन टू यू इन द प्रीवियस पीरियड वुड हैव बीन वेल अंडरस्टूड बाय मी। सो नाउ लेट स्टार्ट पेज नंबर 121। प्लीज टेक योर पेंसिल, राइट CW एंड टूडेज डेट इज 4 January 2021 एंड डे इज मंडे। कॉर्नर्स एंड साइड्स इन प्लेन शेप्स। डियर स्टूडेंट्स, वी विल लर्न अबाउट 2D एंड 3D शेप्स। ओके, 2D मीन्स टू डायमेंशनल शेप्स एंड 3D मीन्स थ्री डायमेंशनल शेप्स। ओके डियर, नाउ कट आउट द प्लेन शेप यूजिंग अ कार्डबोर्ड। ओके, आपको एक कार्डबोर्ड का यूज करके प्लेन शेप को कट करना है। ओके, रन योर फिंगर अराउंड देम लाइक दिस। दिस इज अ सर्कल। ओके, अ सर्कल हैज नो स्ट्रेट लाइन और कॉर्नर्स, इट हैज कर्व साइड लाइक दिस। दिस इज अ बैंगल। ओके, अ सर्कल, ये जो बैंगल आपके सामने शो हो रही है ये सर्कल शेप में है। ओके, अ सर्कल हैज नो स्ट्रेट लाइन। ओके, नो स्ट्रेट लाइन, नो कॉर्नर्स, इट हैज कर्व साइड। ओके, इट हैज कर्व साइड लाइक दिस। ओके डियर, नाउ नेक्स्ट, अ स्क्वेयर हैज 4 स्ट्रेट लाइंस, स्ट्रेट साइड्स एंड इट ऑल्सो हैज 4 पॉइंटेड कॉर्नर्स लाइक दिस। दिस इज अ स्क्वेयर। ओके डियर, ओके, अ स्क्वेयर हैज 4 स्ट्रेट लाइन, दिस वन, दिस वन, दिस वन एंड दिस वन। ओके, इट ऑल्सो हैज 4 पॉइंटेड कॉर्नर्स लाइक दिस, 1, 2, 3 एंड 4। ओके डियर, अंडरस्टूड? स्क्वेयर हैज 4 स्ट्रेट लाइन, 1, 2, 3 एंड 4 एंड इट हैज ऑल्सो 4 पॉइंटेड कॉर्नर्स। ओके, 1, 2, 3 एंड 4। ओके, नाउ ट्राई द सेम फॉर द कट आउट ऑफ अ रेक्टेंगल एंड ट्रायंगल। ओके, सेम आपको रेक्टेंगल और ट्रायंगल के कट आउट के लिए भी करना है। दिस इज अ रेक्टेंगल। ओके डियर, दिस इज अ रेक्टेंगल लाइक दिस। हाउ मेनी साइड्स? 1, 2, 3 एंड 4। ओके, 1, 2, 3 एंड 4। सो हाउ मेनी साइड्स इन रेक्टेंगल? 4 साइड्स। राइट डाउन 4 साइड्स। देन हाउ मेनी कॉर्नर्स? 4 साइड्स, 4 कॉर्नर्स, 1, 2, 3 एंड 4। इज दैट क्लियर? नाउ नेक्स्ट, ट्रायंगल। दिस इज ए ट्रायंगल। ओके डियर, देन हाउ मेनी साइड्स आर देयर? 1, 2 एंड 3। ओके, सो 3 साइड्स। राइट डाउन हाउ मेनी साइड्स? 3 साइड्स। देन हाउ मेनी कॉर्नर्स? ओके, 1, 2, 3। सो राइट हियर 3 कॉर्नर्स इन ट्रायंगल। ट्राई दिस, नाउ कंप्लीट द टेबल। ओके, प्लेन शेप, स्क्वेयर, टाइप ऑफ लाइन स्ट्रेट और कर्व। स्क्वेयर में लाइन जो रहती है वो स्ट्रेट रहती है कि कर्व रहती है? यस डियर, स्ट्रेट। ओके, सो राइट डाउन स्ट्रेट। ओके, नाउ नंबर ऑफ साइड्स, हाउ मेनी साइड्स इन स्क्वेयर? 4 साइड्स, 1, 2, 3, 4। ओके, 1, 2, 3 एंड 4। सो राइट हियर 4 साइड्स इन स्क्वेयर। नंबर ऑफ कॉर्नर्स, 1, 2, 3
एंड फोर, ओके, नंबर ऑफ कॉर्नर्स फोर, सो राइट हियर फोर कॉर्नर्स इन स्क्वायर. नाउ नेक्स्ट रेक्टेंगल, ओके, टाइप ऑफ लाइन स्ट्रेट और कर्व, स्ट्रेट, ओके, रेक्टेंगल हैज स्ट्रेट लाइन, सो राइट हियर स्ट्रेट. एंड हाउ मेनी साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, फोर, लाइक दिस, वन टू थ्री एंड फोर, ओके. देन नंबर ऑफ कॉर्नर्स, हाउ मेनी कॉर्नर्स इन रेक्टेंगल, फोर, वन टू थ्री एंड फोर, सो राइट हियर फोर कॉर्नर्स. नाउ नेक्स्ट ट्रायंगल, हाउ मेनी साइड्स आर, सॉरी, टाइप ऑफ लाइन स्ट्रेट और कर्व, ट्रायंगल हैज स्ट्रेट लाइंस, ओके, सो राइट हियर स्ट्रेट. नाउ नंबर ऑफ साइड्स, हाउ मेनी साइड्स इन ट्रायंगल, थ्री, वन टू एंड थ्री, ओके, सो राइट हियर थ्री. एंड नंबर ऑफ कॉर्नर्स, थ्री, वन टू एंड थ्री, सो राइट हियर थ्री. नाउ सर्कल, टाइप ऑफ लाइन स्ट्रेट और कर्व, सर्कल हैज अ कर्व साइड, ओके, सो राइट हियर कर्व लाइन. नंबर ऑफ साइड्स, नो साइड्स, इट हैज कर्व साइड, ओके, सो राइट हियर नो साइड और कर्व साइड. एंड नंबर ऑफ कॉर्नर्स, इट हैज नो कॉर्नर्स, ओके, सो राइट हियर नो कॉर्नर्स. अगेन आई रिपीटेड, स्क्वायर, टाइप ऑफ लाइन स्ट्रेट लाइन, नंबर ऑफ साइड फोर एंड नंबर ऑफ कॉर्नर फोर, रेक्टेंगल, टाइप ऑफ लाइन स्ट्रेट, नंबर ऑफ साइड फोर, नंबर ऑफ कॉर्नर्स फोर, ट्रायंगल, टाइप ऑफ लाइन स्ट्रेट, नंबर ऑफ साइड्स थ्री, नंबर ऑफ कॉर्नर्स थ्री, सर्कल, टाइप ऑफ लाइन कर्व, नंबर ऑफ साइड्स नो साइड्स और कर्व साइड, नंबर ऑफ कॉर्नर्स नो कॉर्नर्स. ओके डियर, अंडरस्टूड एवरीवन, टर्न योर पेज. वर्टिसेस, एजेस एंड फेसेस इन सॉलिड शेप्स, ओके, दीज आर थ्री डायमेंशनल शेप्स, ओके, ईच सरफेस इज कॉल्ड अ फेस, हर सरफेस को एक फेस कहा जाता है, ओके, दिस इज अ डैस, ओके, ये आपके सामने डैस है, तो यहां पे आप देख पा रहे हो, दिस इज अ फेस, मैं टर्न कर रही हूं, अगेन दिस इज अ फेस, अगेन फेस, अगेन फेस, देन हियर फेस, देन बैक साइड फेस, ओके, मतलब ईच सरफेस इज कॉल्ड अ फेस, हर सरफेस को एक फेस कहा जाता है, ओके, ये हो गया इसका सरफेस, ओके, लाइक दिस, दिस इज सरफेस, दिस इज सरफेस, दिस सरफेस, दिस इज सरफेस, ओके, एंड ईच सरफेस इज कॉल्ड अ फेस. अंडरस्टूड एवरीवन, द लाइन वेयर टू सरफेसेस मीट इज कॉल्ड एजेस, जहां लाइन टू सरफेसेस को मिलती है उसे एज कहा जाता है, ओके, लाइक दिस, आपके सामने डैश है, दिस इज वन सरफेस, दिस इज वन सरफेस, ओके, इट मीन्स टू सरफेसेस, टू सरफेसेस जहां पे मिल रहा है, ओके, जिस लाइन पे मिल रहा है, इट इज कॉल्ड एज, ओके, जैसे आपको यहाँ पे शो किया गया है, ओके, ये जो दो दो लाइन जहां पे मिली है, ओके, दिस वन एंड दिस वन, इट इज कॉल्ड एज, द पॉइंट एट विच टू एजेस मीट इज कॉल्ड कॉर्नर और वर्टेक्स, जहां पर जिस पॉइंट पर टू एजेस मिलते हैं, ओके, मतलब ये हो गया आपका एज, अंडरस्टूड एवरीवन, ओके, जहां पे टू एजेस मिलते हैं वो कॉर्नर या वर्टेक्स कहा जाता है, ये हो गया आपका वन लाइन और ये हो गए एक वन लाइन, और ये जो पॉइंट है कॉर्नर है, ओके, इट इज कॉल्ड वर्टेक्स, द पॉइंट एट विच टू एजेस मीट इज कॉल्ड कॉर्नर और वर्टेक्स, इस पॉइंट को जहां पे दो
टू एजेस मिल रही है, ओके, उसको कॉर्नर या वर्टेक्स कहा जाता है। मोर देन वन वर्टेक्स आर कॉल्ड वर्टेसेस, जहाँ पे एक से ज़्यादा वर्टेक्स है, ओके, मतलब वर्टेक्स का प्लूरल वर्टेसेस, तो वहाँ पे हम लोग उसको वर्टेसेस कहेंगे। एक से अधिक वर्टेक्स को वर्टेसेस मीन्स कॉर्नर्स कहा जाता है, ओके। जैसे कि लाइक दिस, ये हो गया आपका एक वर्टेक्स, देन सेकेंड वर्टेसेस मतलब टू वर्टेसेस, थ्री फोर फाइव सिक्स, ओके डियर, अंडरस्टूड एवरीवन? अगेन आई रिपीटेड, ईच सरफेस इज कॉल्ड अ फेस, हर फेस सरफेस को फेस कहा जाता है, ओके, लाइक दिस, ये आपका सरफेस है, ये भी है, ओके, और ये भी है, तो इसे हम क्या कहेंगे, फेस। द लाइन वेयर टू सरफेसेस मीट इज कॉल्ड अ एज, ओके, जहाँ पे टू सरफेस का जिस लाइन पे मिलना होता है, मीट होता है, उसे एज कहा जाता है। द पॉइंट एट विच टू एजेस मीट इज कॉल्ड अ कॉर्नर और वर्टेक्स, जिस पॉइंट पर टू एजेस मिलते हैं उसे एक कॉर्नर या वर्टेक्स कहा जाता है। मोर देन वन वर्टेक्स आर कॉल्ड वर्टेसेस, एक से अधिक वर्टेक्स को वर्टेसेस मीन्स कॉर्नर्स कहा जाता है। अंडरस्टूड एवरीवन? वर्टेसेस, एजेस एंड फेसेस इन सॉलिड शेप्स। ट्राई दिस, कलर द एजेस इन रेड, कलर ऑल फेसेस इन डिफरेंट कलर्स, मार्क ऑल वर्टेसेस इन ग्रीन। यहाँ पे आपको एक क्यूबॉइड दिया गया है, ओके, तो आपको क्या करना है, एजेस को रेड कलर करना है, ओके, इसके क्यूबॉइड के एजेस को आपको रेड कलर करना है और सभी फेसेस में डिफरेंट कलर्स आपको फिल करना है। ये हो गया आपका फेसेस, ओके, देन ऑल वर्टेसेस में ग्रीन मार्क करना है। वर्टेसेस मीन्स कॉर्नर्स, ओके, लाइक दिस, ये हो गया आपका कॉर्नर, जहाँ पे आपको कॉर्नर शो किया गया है वहाँ पे आपको ग्रीन कलर से उसको मार्क करना है, ओके, देन एजेस को रेड कलर करना है। एजेस मीन्स जो दो सरफेस हैं मिल रहे हैं, ओके, ये हो गया आपका एजेस, ये रहेगा आपका रेड कलर से, और जो मार्क है वो रहेगा आपका ग्रीन कलर से, और बाकी जो फेसेस है, ऑल फेसेस, कलर ऑल फेसेस इन डिफरेंट कलर्स। अंडरस्टूड? दिस इज योर होमवर्क। नाउ सम सॉलिड्स हैव कर्व सरफेस, कर्व सरफेसेस फील राउंड ऑन टचिंग। कुछ सॉलिड शेप्स में कर्व सरफेसेस होते हैं, ओके, कर्व सरफेस को टच करने पर यह राउंड है ऐसे फील होता है, मीन्स टच करने पर गोल महसूस होता है, ओके। नाउ हियर, सिलेंडर, अ कोन एंड अ स्पीयर, मार्क द एजेस एंड वर्टेसेस इन द सिलेंडर, कोन एंड स्पीयर, हाउ मेनी आर देयर इन ईच। सिलेंडर, कोन एंड स्पीयर में एजेस और वर्टेसेस को मार्क करें, और हर शेप्स में कितने एजेस हैं, कितने वर्टेसेस हैं, ये आपको यहाँ पे राइट डाउन करना है, ओके। नाउ फर्स्ट अ सिलेंडर, ओके, लाइक दिस सिलेंडर, ये आपके सामने, मैं आपको एक कप शो कर रही हूँ, दिस इज अ सिलेंडर शेप, ओके, ये सिलेंडर शेप है। सो सिलेंडर हैज टू एजेस, ओके, सिलेंडर हैज टू एजेस, टू एजेस इट मीन्स द लाइन वेयर टू सरफेसेस मीट इज कॉल्ड एज, मतलब जहाँ पे लाइन टू सरफेसेस को मिलती है उसे हम एज कहते हैं। अंडरस्टूड? हियर सिलेंडर हैज थ्री फेसेस, ओके, सबसे पहले आपका है फ्रंट वन, देन टू, देन बैक साइड थ्री, ये थ्री फेसेस आपको शो हो रहा है, ओके, एंड टू एजेस मतलब ये ऊपर का फेस और ये बॉटम का फेस, ओके, ये जहां पे मिल रही है ये आपकी एजेस है। अंडरस्टूड एवरीवन? इन डायग्राम लाइक दिस, हियर थ्री फेसेस, वन टू एंड थ्री, ओके, ये फ्रंट हो गया, ये ऊपर का साइड हो गया और ये बॉटम का साइड हो गया।
अब जहाँ पे द लाइन वेयर टू सरफेसेस, मतलब जो दो सरफेसेस को लाइन मिलती है वो हो गया आपका एज, ओके, लाइक दिस वन एंड लाइक टू फेस। तो ये लाइन आपकी जॉइंट हो रही है बेटा यहाँ पे, सो राइट हियर टू एज। नाउ नेक्स्ट, नो वर्टाइसेस, वर्टाइसेस यहाँ पे एक भी नहीं है, ओके। द पॉइंट एट विच टू एजेस मीट इज कॉल्ड कॉर्नर्स और वर्टेक्स। अब जो पॉइंट है वो एजेस को जहाँ पे मिलता है वो आपका कॉर्नर होता है, यहाँ पे कॉर्नर है ही नहीं, ओके। सिलेंडर हैज नो कॉर्नर्स, नो वर्टाइसेस। नेक्स्ट अ कोन, ओके, अ कोन हैज ओनली वन एज, ओके, लाइक दिस। ये हो गया आपका ट्राइंगल शेप और ये हो गया आपका ओवल शेप। इट मीन्स सिलेंडर का जो बॉटम का जो साइड रहता है ये कोन का सिर्फ यहाँ पे आपकी लाइन ज्वाइंट हो रही है बेटा, ठीक है, ये हो रही आपकी वन एज। देन वर्टेक्स ओनली वन, इट मीन्स द पॉइंट एट विच टू एजेस मीट इज कॉल्ड अ कॉर्नर, जहाँ पे आपका वर्टेक्स, ओके डियर, यहाँ पे आपकी ये पॉइंट जोड़ रहा है तो ये वर्टेक्स हो गया आपका। नाउ नेक्स्ट अ स्पीयर, अ स्पीयर हैज नो एजेस, नो वर्टाइसेस, इट हैज कर्व सरफेस, ओके, ओनली सिंगल फेस, ओके डियर, अंडरस्टूड एवरीवन। दीज आर थ्री डायमेंशनल शेप्स एंड दीज आर 2D, इट मीन्स टू डायमेंशनल शेप्स, ओके, अंडरस्टूड एवरीवन। नाउ नेक्स्ट पीरियड वी विल लर्न अबाउट 8B माइंड जिम एंड पैटर्न्स, ओके, बाय डियर, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।